देश में विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्षी दल कमजोर है। व्हाट्स योर टेक ऑन द ऑपोजिशन इन टुडेस सिनेरियो? यू सेड इट, यू हैव सेड दैट। मैं ये बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन जो बात मैं पहले कहता रहा हूँ उसको मैं दोहरा देता हूँ। देश में विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्षी दल कमजोर है। मोदी जी को, भाजपा को, एनडीए को पिछले चुनाव में 38% के आसपास वोट मिला है। तो पांचवे क्लास का गणित का विद्यार्थी आपको बताएगा कि अगर 38 लोगों ने भाजपा को वोट किया है और 62 लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट किया, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो है वो तो भाजपा से की सोच से, उनके करिश्मा से, उनके पॉलिसी से, उनके हिंदुत्व से, उनके राष्ट्रवाद से, उनके लाभार्थी मॉडल सब पुट टुगेदर ऑल्सो दे कुड विन से 4 out of 10 पीपल। अब जो 6 लोग हैं वो विपक्ष का, विपक्षी दलों का ये काम है कि उनको एक फॉर्मेशन में लाएं, उनको संगठित करें, उनको गैल्वेनाइज करें ताकि एक चुनौती खड़ी की जा सके। वो करने में विपक्ष फॉर राइट और रॉन्ग रीजन दे हैव नॉट बीन एबल टू बी सक्सेसफुल। अब जो लोग इस चीज को एनालाइज करते हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर सारे दल और नेता साथ में आ जाएंगे तो ये 60% वोट साथ में आ जाएगा। मेरा अपना मानना है कि वो हो नहीं सकता है, क्योंकि देयर इज अ रीजन व्हाई दिस 62% इज फ्रेगमेंटेड। वो इसलिए है कि वो सिर्फ दलों के आधार पर नहीं बटे हुए हैं, सिर्फ नेताओं के आधार पर नहीं बटे हुए हैं, वो विचारधारा का आधार भी है। उसमें वो लोग हैं जो गांधीवादी हैं, वो लोग हैं जो अंबेडकराइट्स हैं, उसमें लोग हैं जो कम्युनिस्ट्स हैं, वो लोग हैं जो सोशलिस्ट्स हैं। जब तक उन विचारधाराओं के बहुतायत, मेजॉरिटी ऑफ दोज हु फॉलोज दोज आइडियोलॉजीज, इफ समवन हु ब्रिंग्स देम टुगेदर, देन ओनली अ कोलिशन कुड बी फॉर्म्ड। ए कोलिशन इज नॉट अ फंक्शन, कोलिशन इज नॉट, should not and could not be a function of merely coming together of parties and leaders. It has to be coming together of ideologies and ideas. वो हो नहीं रहा है, इसीलिए आपको दिखता है कि भाई ममता बनर्जी और लेफ्ट कैसे साथ में आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ममता बनर्जी, टीएमसी और लेफ्ट तो बंगाल में साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अगर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और गांधीवादी साथ में आ जाए तो मेजोरिटी फॉलोअर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी कुड कम टूगेदर। तो मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं कि आप दलों को, नेताओं को साथ में जोड़ने के बजाय आइडियाज और आइडियोलॉजीज को अगर साथ में जोड़ेंगे तो ही आप कोई काउंटर नैरेटिव या काउंटर फॉर्मेशन बना सकते हैं। वो प्रयास कोई कर नहीं रहा है, इसीलिए आपको विपक्ष खींचतान में लगा हुआ या एकजुट नहीं दिखता है। और ये जो बैठकें होती हैं, दलों के नेता बैठ के बात करते हैं, चाय पीते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पत्रकार रहे हो, मान लो कि कल टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो मीडिया में न्यूज आती है कि आज 19 दल साथ में बैठे उन्होंने चर्चा करी, तो उससे क्या बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी साथ में आ जाएगी? क्या उनके वर्कर समर्थक साथ, अगर ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट के लीडर साथ में आ भी जाएं तो क्या उनके वर्कर समर्थक साथ में आ जाएंगे? नहीं हो सकता है। तो जब तक आप उस स्तर पर प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई आप बीजेपी के अगेंस्ट ऐसा फॉर्मेशन नहीं बना सकते हैं जिसको फॉर्मेडेबल माना जाए या जिसको सीरियसली लिया जाए। सो इन टुडेज सिनेरियो ऑपोजिशन इज नॉट स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 2024, यू फील? नो, इट्स नॉट फॉर मी टू से, इट्स राइट देयर आउट इन द पब्लिक, एवरीवन कैन सी वेयर इज द फाइट, वेयर इज द फाइट, आइदर ऑन द ग्राउंड और इन इवन इन सोशल मीडिया और इन द मीडिया। यू आर ट्राइंग टू से मोदी इज अहेड? नो नो नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट वेयर इज द फाइट। आई डू नॉट सी, एट लीस्ट इन माई लिमिटेड विजडम, आई डू नॉट सी द फाइट इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वेयर ऑपोजिशन, आइदर ऑपोजिशन लीडर्स और पार्टीज ऑन देयर ओन और इन कोलिशन विद अदर्स आर माउंटिंग ए फॉर्मेडेबल चैलेंज एट द सोसाइटल लेवल। सो यू हैव सेड इट्स अ फसाड, व्हाई डू यू से इट्स अ फसाड? बिकॉज व्हेन पीपल एंड लीडर्स सिट टुगेदर, मीडिया एंड सम कमेंटेटर्स दे मेक दिस हुपला अराउंड इट एज इफ ओ ये साथ में आ गए, आधे लोग ये लगे हैं कि ये साथ में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, आधे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं नहीं आ सकते, आधे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं अगर सब साथ में आ भी जाए तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज लीडर्स एंड पार्टीज कमिंग टुगेदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल थिंग, ओनली कमिंग टुगेदर ऑफ लीडर्स एंड पार्टीज बिरेफ्ट ऑफ कोलिशन ऑफ आइडियाज आइडियोलॉजीज इज ऑफ नो यूज। देखिए महागठबंधन का जो ये प्रयोग है, दलों को साथ लाने का प्रयोग, इस दौर में ये पहली बार सक्सेसफुली 2015 में बिहार में किया गया। ये शब्द हिंदी में महागठबंधन हमने लिखा है, इससे पहले ये शब्द ही नहीं था, लोग गठबंधन की बात करते थे, और बिहार में उसको सक्सेसफुली किया गया। तो
तो लोगों को ऐसा लगा कि जहां पर भी आप महागठबंधन दलों को साथ में लाइएगा वो चुनाव भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन 2015 में बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग हुआ उसके बाद जितने भी ऐसे प्रयोग हुए हैं हर जगह भाजपा जीती है। आपने यूपी में देखा बसपा सपा साथ में आए, क्या हुआ परिणाम? अभी आपने असम में देखा होगा पूरी महागठबंधन बनाएगा, वहां पर क्या हुआ परिणाम? उसके विपरीत बंगाल में हम लोगों ने महागठबंधन नहीं बनाया फिर भी टीएमसी को विजय मिली। बिहार में जो महागठबंधन बनाया गया था उसमें सिर्फ इट वॉज नॉट मेयरली कमिंग टूगेदर ऑफ आरजेडी जेडीयू एंड कांग्रेस, इट वॉज ऑल्सो कमिंग टूगेदर ऑफ एजेंडाज। द होल महागठबंधन फॉट ऑन द 7 पॉइंट प्रोग्राम नीतीश के साथ निश्चय, इट वॉज कमिंग टूगेदर ऑफ आइडियोलॉजीज, इट वॉज कमिंग टूगेदर ऑफ आइडियाज, इट वॉज कमिंग टूगेदर ऑफ एंटायर रैंक एंड फाइल एंड द सपोर्ट बेस ऑफ दोज थ्री पार्टीज